परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज की शाम एक बार फिर मसीहा मंदिर आगरा के पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रिय भाई प्रभु के दास अनुपम डेविड और सिस्टर शबनम डेविड के लिए, जिन्होंने चाहा कि आज इस पेज पर हम लाइव आकर वचन की शिकाई करें। सो हम उनके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देता हूं तमाम श्रोताओं को जो लगातार मुझे सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और साथ ही साथ लाइव सुनते हैं। परमेश्वर से आशीष को आप ग्रहण करें। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर से महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए हम प्रार्थना में। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की शाम आपकी दया से मिला कि प्रभु परमेश्वर मसीहा मंदिर के पेज पर आकर लाइव तेरे वचन की सेवकाई करें। प्रभु परमेश्वर सारे सिस्टम पर आपकी आशीष हो, आपका नियंत्रण हो। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी अगुवाई करें। जितने लोग लाइव सुनते हैं बाद में देखते हैं, प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा उनके जीवन में काम, क्योंकि तेरा वचन सामर्थी है। आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु परमेश्वर तेरे प्रिय दास के लिए, प्रभु परमेश्वर भाई अनुपम डेविड के लिए, शबनम डेविड के लिए, प्रभु इन्हें भी आशीष दें, इनकी मिनिस्ट्री को आशीष कर, इनके जीवन के द्वारा निरंतर आपको महिमा मिल पाए। आदर मान सम्मान आपको देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की आराधना में हम गीत गाएंगे। कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लब नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लब नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकते हैं, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लब नहीं होंगे। अपनी हथेली पे तेरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे तेरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँख की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान, अपनी आँख की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग नहीं होंगे। आइए मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आराधना में एक गीत और गाएंगे। उस महान परमेश्वर को ऊंचा उठाएं, वो आदर दें और उस महान परमेश्वर की आराधना में हम आगे बढ़ें। Thank you.
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए कि निरंतर वो हमारी अगुवाई करता है और हम सबों को संभाल कर रखता है। विशेषकर आज आपको एक आनंद की बात बताना चाहता हूँ। बीते दिनों हमारे छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा क्षेत्र में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, राहुल, जिसके लिए निरंतर प्रार्थनाएं की गई और बहुत से लोग ईश्वर के करीब जुड़ गए अपने अपने तरीके से। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि बच्चा सही सलामत बोरवेल से निकल गया। 7 फीट नीचे था, काफी मशक्कत और मेहनत के बाद अभी बच्चा बिलासपुर के अपोलो में एडमिट है और हम उसके लिए प्रार्थना करें कि उसके शरीर में कुछ इन्फेक्शन है। 5 दिन तक वो बच्चा पानी में रहा नीचे बोरवेल में, तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर से पूरी रीति से चंगाई। आइए हम परमेश्वर से सारी बात के लिए धन्यवाद दें। इस गीत को गाकर धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे सुख और शांति आराम, मेरे ईशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे ईशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक दोती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक दोती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, कहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, कहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और इस प्रकार से आज जो परमेश्वर के वचन में मनन के लिए जो भाग है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7:7-8। मत्ती रचित सुसमाचार 7:7-8 सुने क्या लिखा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें सारी बात के लिए। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं लाइट के प्रबंध के लिए। दुआ करते हैं प्रभु, अब जब तक वचन की शेषकाई होती है तेरी कृपा सारे सिस्टम पर बनी रहे, वचन की भेद भरी बातों को प्रकट कर, मुझे अपनी आत्मा से अभिषेक कर, क्योंकि बिना तेरी सहायता के तेरी आत्मा के मैं कुछ भी नहीं बोल सकता और न कोई बातों को समझ सकता। लेकिन परमेश्वर तूने वायदा किया है कि सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य की बातें बताएगा। सो पिता मेरी सहायता, सुनने वालों पर तेरी आशीष प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमेन। एक बार फिर हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते आज के वचन। मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार के 7:7-8 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। तीन बातें हैं यहाँ पर, तीन बातों पर चर्चा करना, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी लोग हैं सब परमेश्वर के पास आते हैं केवल मांगने के लिए। मांगने के लिए आते हैं, मांगना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम अपने पिता से मांग रहे हैं, हमारा हक और अधिकार है। हम अपने पिता से हक के साथ पैसे मांगते हैं, कोई भी वस्तु मांगते हैं, क्योंकि हमारा वो पिता है। वैसे ही जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो हमारा पिता है और हम बड़े हक के साथ उसके पास में जाएं उससे मांगे, और उसने वायदा किया है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आज यदि कोई भी बात को हम देखें, किसी के पास आप चले जाए, किसी के घर चले जाए, कोई चीज की आपकी आपको आवश्यकता है और अगर वो चीज आप उससे मांगते नहीं है, चुपचाप बैठे रहे या खड़े रहे और उसके बाद बातचीत करके आप चले आओ तो जो आप मांगने गए थे वो नहीं मिले, जो चीज आप मांगने गए थे वो नहीं मिले। वैसे जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के पास जब आते हैं तो पूरे अधिकार और हक के साथ हमको मांगना है, और मांगना भी है तो क्या मांगना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जबकि बाइबल में लिखा मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तो मांगना है तो कुछ भी मांग ले, परमेश्वर ने तो बोला है, पर ऐसा नहीं है। अगर 10 साल का छोटा आपका बच्चा है, अगर वो बच्चा आपसे कहता कि पापा मुझको कार चाहिए, क्या आप उसे कार उपलब्ध कराएंगे? नहीं, क्योंकि आपको इस बात की समझ है कि अभी इसकी उम्र है। हम भी वैसे ही परमेश्वर के पास कुछ भी मांगने चले जाते हैं, नहीं आप मांगिए लेकिन समय आने पर परमेश्वर वो चीज आपको उपलब्ध कराए। बाइबल मुझको और आपको शिक्षा देती है कि बहुत से लोग जो चीज की जरूरत नहीं है उसकी मांग करते हैं, और सबसे ज्यादा उसको जिस चीज की जरूरत है उसकी वो मांग नहीं करते। देखेंगे हम बाइबल में पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय 11:27-28। और
उसने यह मन्नत मानी और उसने यह मन्नत मानी हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया, मेरे प्रिय सबसे जो पहला बहुत अच्छा जो उदाहरण मिलता है मांगने के बारे में, वास्तव में हन्ना जो थी वो भांज थी और हन्ना की जो सौत थी वो उसको चिढ़ाती थी। और मेरे प्रियो, इस बात को हम जानते कि हन्ना परमेश्वर के पास में आई, उसके भवन में आई और उसे एक ही बात मांगी भी तो क्या कही, अगर तू मुझको एक बेटा देगा तो मैं उसको तुझे दे दूंगी। आज लोग मांग लेते हैं, मिल जाता है, लोग भूल जाते हैं। हमें क्या करना है? यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण है कि हन्ना ने मांग की कि परमेश्वर अपनी दासी पर अपनी दृष्टि करें और मुझे, परंतु परमेश्वर के बारे में नहीं सोच। हन्ना ने यहाँ पर सोची और जो चीज मांगी, जो उसको जरूरत थी वो थी उसके बेटे की, क्योंकि वो बांझ। आप समझ सकती हैं जो महिलाएं हैं जिनके पास संतान नहीं है उनकी क्या दशा होती है, उनकी क्या स्थिति होती है, वो कैसे समय को गुजारते। मेरे प्रियो, उसने ठीक समय में ठीक चीज की मांग करी और मांग करने के बाद भी वापस परमेश्वर को देने की चाह थी और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। ये वही बेटा है जो परमेश्वर से उसने मांगा था और प्रॉमिस किया कि जीवन भर इसके सिर पर छुरा नहीं चलेगा। आज मेरे प्रियो, बहुत से लोग मांग करते हैं लेकिन पाते नहीं। मांगना बहुत जरूरी है और परमेश्वर से मांगना है तो वो चीज मांगे जो वापस परमेश्वर के काम आए। जैसे मान लो हम प्रचार करते हैं, हम पैदल पैदल जाते थे, हम साइकिल से जाते थे, पर अब लगा समय आया कि हमारे पास एक गाड़ी हो जाए। हमने मांगा, परमेश्वर ने एक नहीं दो दो गाड़ी उपलब्ध कराई, दो गाड़ियां दिलाया जिससे मैं आज बहुत दूर दूर तक लोगों के बीच में जा सकता हूँ, विजिट में जा सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ, सुसमाचार बता सकता हूँ, उनके लिए प्रार्थना कर सकता। वो गाड़ी अगर मुझको मिली, मैं गार्डन जाता, मैं घूमने फिरने जाता, मैं कहीं और जाता। याद रखिएगा, वो फिर कोई काम का नहीं। आज स्वार्थी हो गए और हमने मांगा परमेश्वर से गाड़ी और हमने प्रचार को बढ़ाया, कार्य क्षेत्र को बढ़ाया। सो मेरे प्रिय भाई, क्या बोलते परमेश्वर से यदि मैं और आप मांगे। लुका रचित समाचार 11 अध्याय उसका 13 वचन, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज भी लोग असमंजस में हैं। ब्रदर, क्या पवित्र आत्मा हमें है कि नहीं? पवित्र आत्मा हमको मिला कि नहीं मिला? कई लोग कहते हैं, ब्रदर हम तो जानते भी नहीं इसके बारे में। बाइबल बताती है यदि तुम मांगोगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर से होगी। मांग कीजिए परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझको अपनी आत्मा से भर। दाऊद कहता है, मेरे अंदर नई सिरे से स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, जो स्थिर रहे। कई बार ऐसा होता, लोग आत्मा मांगते हैं पर काम वही कर जो बुरा है और ऐसे में परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ नहीं रहती। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों कर पवित्र आत्मा नहीं देगा? हम परमेश्वर से मांग के तो देखें, अपने पिता से मांग के तो देखें। जब मांगने की बात आती है तो लोग चंगाई की मांग करते हैं, लोग पैसे की मांग करते हैं, लोग अच्छे घर की मांग करते हैं, लोग अपने बच्चों की सर्विस की मांग करते हैं, लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सफल होने की मांग करते हैं। तमाम चीजें हैं मांग करने की, बहुत से संसाधन की मांग करते हैं, लेकिन जब ये चीजें मिलती हैं उसका उपयोग ये क्या करते हैं? जो भी चीज आप मांगिए, परमेश्वर को मालूम है कि आप किस लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर देने को तैयार है। याकूब की पत्री उसका एक अध्याय उसका पांच वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे बिना उलाहना के दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अगर तुम परमेश्वर से मांगना है तो बुद्धि की मांग कर, परमेश्वर मुझको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, इन चीजों की मांग करें, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना के, उलाहना देने का मतलब ये होता है जैसे कोई लोग मांग करते हैं ना, बच्चे लोग पापा से मांग करते हैं, पापा मुझको ये चाहिए, तो पहले 10 डांट फटकार या होता है तो मार भी देते हैं, मार पीट के बच्चों को रुला देते हैं, है ना, बहुत सी बातें बोल जाते हैं, है ना, और ये बातें बोलने के बाद बोल देते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, परमेश्वर बिना उलाहना के आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, आपको ज्ञान देगा, लेकिन ये बुद्धि और ये ज्ञान परमेश्वर के कार्य के लिए होना चाहिए। इसको देखिए, पहला राजा तीन अध्याय 9-12 वचन में क्या लिखा हुआ, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे मैं भले बुरे को परख सकूं क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उसे कहा इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है इसलिए सुन मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। सौम्यर ने परमेश्वर से, राजा सुलेमान ने परमेश्वर से जो मांग किया वो था बुद्धि की, वो था परमेश्वर की ही प्रजा का न्याय करने की, परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाने के, परमेश्वर के कार्य के लिए मांगा। परमेश्वर ने उसको दिया, उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, विवेक से भर दिया, और कहा साथ ही कि न तो तुझसे पहले कोई हुआ न तेरे बाद कोई हुआ। आज बहुत से लोग बोलते हैं ना, बीरबल जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, बाइबल कहती है राजा सुलेमान जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। परमेश्वर से उसने मांग किया, उसने मांगा बुद्धि, उसने ना तो धन दौलत मांगा ना किसी का नुकसान मांगा, लेकिन मांगा तो परमेश्वर से ही कार्य किया, और परमेश्वर ने ये सारी चीजें से जो चीज उसने नहीं मांगा था वो भी उसने उसको दिया। राजा सुलेमान को धन संपत्ति से भी भरपूर किया। पर आज मेरे प्रिय बहुत तेरे लोग हैं परमेश्वर के पास आते हैं, मांग करते हैं, लेकिन अपने ही लाभ के लिए, अपनी ही योजनाओं के लिए। तो परमेश्वर के पास हम आए, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से चाहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:23-24 वचन।
योहन्ना का 16:23-24 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते क्या प्रॉमिस किया? उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज मांगना है तो परमेश्वर के पास जाइए, पर जाना है तो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के साथ साथ सुनेगा, यदि तुम मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मेरा पिता वो देगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। आज आपके घर में कोई याद आए है ना, और किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको आप जानते नहीं, वो उसके नाम से तो आपसे कुछ मांगेगा तो आप उसको नहीं दोगे, कहते हम नहीं जानते। लेकिन यदि आप उस घर का कोई सदस्य के नाम से उस घर में जाकर कहें कि आंटी या दीदी या भाभी भैया ने ये सामान मंगाया है, क्योंकि भैया के नाम से वो आया है और भाभी वो चीज उसको उपलब्ध कराएगी, क्योंकि वो जानती है, वो जान रही है, इसलिए कि यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के पास मिलता है। और यीशु ने साफ कहा, मांगो मेरे नाम से, मांगो मेरे पिता से, वो तुमको देगा। आज लोग मांगते हैं, आज लोग बहुत जगह जाते मांगकर, है ना, इधर भी चले जाएं, उधर भी चले जाएं, उससे मन्नत कर ले, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, बहुत जगह। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास उसे मांगे, परमेश्वर आपको देगा। पहला योहन्ना की पत्री 5:14-15 में भी देखें क्या लिखा, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया। हमको अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है, परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। बच्चा परमेश्वर अपने पिता से मांगता है, पिता की इच्छा को भी जानता है कि पिता क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। परमेश्वर की इच्छा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पिता यदि तू चाहे कि ये प्याला ये कटोरा टल जाए, तू चाहे तो टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तू जो चाहता वो हो। परमेश्वर, क्या आप चाहते हैं कि मेरे पास कार हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं अच्छे घरों में रहूं? क्या आप चाहते हैं कि मेरा घर हो? आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना मांगते, सीधा सीधा कहते हैं कि नहीं परमेश्वर आशीष दे, केवल आशीष ही मांगते, और कहते घर में जो भी चीजें हैं वो सब परमेश्वर की आशीष है। अरे ये सारी चीजें तो अन्य जातियों के पास दी है, क्या अद्भुत है जो आपके पास है। जैसे हम बताते हैं, हमारे पास में वॉशिंग मशीन नहीं था और हम इसको सोच ही रहे थे, हमारे विचार में ही था, अगर प्रभु तेरी मर्जी हो तो ये उपलब्ध। और एक व्यक्ति आया, उसने डोनेट कर दिया। हम साधन की मांग कर रहे थे, परमेश्वर तेरी इच्छा यदि मैं और दूर दूर जाऊं सेवा दे सकूं, परमेश्वर ने उसको उपलब्ध करा। परमेश्वर की इच्छा में हमको मांगना है। आज लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं चाहते, परमेश्वर की मर्जी को नहीं चाहते कि नहीं वो तो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है तो सब कुछ दे नहीं सकता, वो देगा तभी जब आपकी जरूरत है। कई बार ऐसा हम लोग सोचते हैं, हम ये बात जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए,
परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारी जरूरत है वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा में मांगते हैं। आज लोग मांगते हैं, देखे क्या लिखा याकूब 4:2-3। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मांग तो रहे हो लेकिन बुरी इच्छा से मांग, मिल जाता तो अच्छा होता, परमेश्वर दे देते तो अच्छा होता, मांगते पर तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांग। मांगना है तो परमेश्वर की मर्जी में मांग, परमेश्वर की इच्छा में मांग। सो मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग हैं मांगते पर पाते नहीं। बाइबल क्या सिखाती है? प्रेरित काम 20:35 उसका 35 मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है लेने से देना धन्य है। आज लेना चाहते हैं सब, देना कोई नहीं चाहता। परमेश्वर को जब देने की बात आती है और जब प्रभु के लोग सिखाते हैं तो कहते हैं सब अपने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। आपको देना सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम? व्यवस्था विवरण को जब आप पढ़ेंगे 28 तो परमेश्वर कहता है तुम देने वाले नहीं होगे, तुम दूसरों को उधार दोगे, तुम लोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम दूसरों को उधार दोगे, मैंने तुमको सिर ठहराया पूछ नहीं। वो परमेश्वर हमें ऐसी आशीष ऐसा देना जानते। तो आज लोग परमेश्वर की मर्जी में मांगते हैं, और मांगते भी हैं तो अपनी मर्जी के, अपनी इच्छाओं के लिए, गलत तरीके से। लेने से देना अधिक धन। दूसरी बात, ढूंढना। आज हर कोई कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों में जाकर, कोई पेड़ के नीचे बैठकर, कोई दूसरे दूसरे स्थान में जाकर ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, खोज कर रहे हैं लोग, वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, नए नए शोध किए जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बाइबल कहती ढूंढोगे तो तुम पाओ। मत्ती रचित सुसमाचार पहला कुरिन्थियों और उसका 10:24 उसका 24 देखिए क्या लिखा है। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। अगर ढूंढना ही है तो अपने बारे में मत सोचो, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए नहीं, परंतु कहता है दूसरों की भलाई को ढूंढे। दूसरों के लिए क्या अच्छा हो सकता है? जो कुछ आप भोगे वही आप काटोगे। अगर आप दूसरों के लिए भलाई ढूंढोगे तो भलाई आपके लिए ही आएगी। जो कुछ आप भोगे वही तो आप काटोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज ढूंढिए, तलाश कीजिए, वो चीज आपको मिल जाए। यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार उसका 15:4 लूका 15:4 जहाँ पर एक चरवाहे की बात है और वो चरवाहा ढूंढता है, इसे ढूंढ रहा। देखिए तुम में से कौन है जिसकी सौ भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, उसको ढूंढता ना रहे, उसको तलाश ना करता रहे। एक भेड़ खो गई, एक विश्वासी कलीसिया से चला गया, वो रास्ता भटक गया, आज उसको खोजने वाले नहीं। खोजें, ढूंढें उनको, तलाश करें,
वापस लेकर के आए। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज लोग ढूंढना नहीं चाहते। आज लोगों के पास तो सब चीजें प्राप्त होती है, जान दो कुछ नहीं होता। 100 रुपया खो गया कोई बात नहीं, 1000 रुपया तो मेरे पास है। खोजना हमको जरूरी है, ढूंढना जरूरी है। और ढूंढना क्या है मुझको और आपको, ये जरूरी है जानकारी रखना कि मैं और आप क्या ढूंढ, मुझको और आपको क्या तलाशना। क्योंकि आज बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह भी इस संसार में आए ढूंढने के लिए। इसी लूका का 19:10 क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने आया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल कर, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि इस संसार में आराम से अपने पिता के साथ बढ़ाई का काम करते हुए जीवन बिताया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया संसार में, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो खोए हुए को ढूंढे, जो खो गए उनको ढूंढने के लिए आया। आज मैं और आप भी अपने आप को देखें, कहीं संसार में हम खो तो नहीं गए, पाप में खो तो नहीं गए। कई लोग नशे में खो गए, कई लोग अपराध में खो गए, अपने अंदर खोज नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, तलाश कर रहे हैं शांति, तलाश कर रहे हैं आनंद, मगर मिल नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह के पास आता है, आप ढूंढते आ जाइए, वो आपको ढूंढ रहा है। आप एक कदम बढ़ेंगे वो आ जाएगा। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आप फिर के देखिए, वो परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। और जब मिल जाएगा, याद रखिएगा, आपका जीवन बदलेगा, परिवर्तन और बदलाव आता है। इसी लूका का 2 अध्याय उसका 48 और 49 देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बचपन में क्या जवाब दिया। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा हे पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया। देख तेरे पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना, मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है। आज आप ढूंढ के देखिए ना, तलाश कीजिए, बच्चे कहाँ है, आपका पति कहाँ है, पत्नी कहाँ है, संडे का दिन है, पता नहीं रहता है, एक घर से चला जाता है, लोग सोचते हो तो चर्च गया बहुत कुछ नहीं। कहता है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह छोटा सा बालक माता पिता के साथ यरूशलेम आया हुआ था, और उसके बाद वहाँ से उसके माता पिता वापस होते हैं, प्रभु यीशु मसीह वही मंदिर में रुक गया, बच्चा मिला नहीं, काफी दूर तक वो निकल गए। और ऐसी परिस्थिति आ गई क्योंकि वो सोच रहे थे रास्ते में होगा किसी के पास, किसी परिचित के साथ। लेकिन जब उन्होंने देखा बच्चा नहीं है, लापता है, बच्चा खो गया, वापस गए वो, जाकर देखा तो वो मंदिर में था, बातचीत कर रहा, लोगों ने उसकी बातों को सुना, आश्चर्य किया। उसकी माँ ने कहा बेटा तूने क्यों ऐसा किया, तेरा पिता देख कूद रहा, मैं कूद रही हूँ, तलाश कर रहे हम। उसने कहा क्यों मुझको ढूंढते हो, क्या तुम्हें पता नहीं मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए, क्या आपको पता नहीं कि रविवार का दिन हम परमेश्वर के भवन में हो, हमारे बच्चे परमेश्वर के भवन में हो, कलीसिया के लोग परमेश्वर के भवन में। आज तो बहुत से बहाने हो जाते हैं, क्या करें। पर याद रखिएगा, शिक्षा देते रहिए, परमेश्वर एक दिन उन्हें रास्ते में लाएगा। वो बच्चे जो आज चर्च नहीं जा रहे, कल वो चर्च जा, आप तो जाना शुरू करिए, आप वहां रहिए, पति पत्नी जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांग कीजिए, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आज लोग बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे, लेकिन मुख्य चीज जो ढूंढना है, बाइबल में क्या लिखा, प्रेरितों के काम 17:11 ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे,
बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे ये बातें यूं ही है कि नहीं। आज बहुत से प्रचारक आते प्रचार कर जाते हैं, कहते बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा बताया। कहां से बताया? बाइबल से। क्या आपने उसको जाकर ढूंढा कि उन्होंने जो कुछ बताया यूं ही है कि नहीं, ये बातें बाइबल में लिखी है कि नहीं? आज लोग बहुत से नेता अभिनेता बड़े बड़े प्रचारक उनके बारे में बताकर निकल जाते जिनका जिक्र बाइबल नहीं करते। लोग ऐसी बातों पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन थिस्सलुनीकियों के लोग जो थे वो यहूदियों से अच्छे थे, वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र से ढूंढते थे कि जो बातें पास्टर बता रहा, जो बातें प्रचारक बता रहा, वो बातें यूं ही है कि नहीं। ढूंढिए, तलाश कीजिए ना। हाँ, संडे को सन चर्च करके आ गए, बिहारी ले लिए, वचन सुन लिए, आ गए, हो गया हफ्ता भर फुर्सत नहीं। इनके समान हम बने कि प्रतिदिन वचन में से ढूंढे और बाइबल का दिन ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तलाश करो, खोजो, परमेश्वर के वचन से भेद भरी बात वो आपको मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 43 देखिए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं, और वो पाती नहीं है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सुना सजा सजा बुहारा और सजा सजाया पाती है तब वह जाकर अपने में से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वो वही वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है। दुष्ट आत्मा भी क्या कर रही है, जगह ढूंढती। आपने नहीं ढूंढा अपने लिए जगह स्वर्ग में, आपने नहीं ढूंढा, आपने नहीं तलाश किया, आपने नहीं खोजा। दुष्ट आत्माएं खोजती है, क्या खोजती है? खोजती है कि मैं उसी घर में वापस आऊं। वो बाहर निकलती है, जगह ढूंढती, नहीं पाती, परंतु कहती वापस उसी घर में जाऊंगी और सात बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती। आज मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं भी जगह ढूंढ रही हैं और एक दूसरे के से निकलकर दूसरे में जाकर पैठ कर रही है। तो सारी बातें हैं, अगर बाइबल में लिखा जो ढूंढोगे तो तुम पाओगे। यशाया 34:16 में लिखा हुआ है, ढूंढ कर पढ़कर देखो, यहोवा की पुस्तक से। क्या बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा? जो बातें इसमें लिखी वो पूरी होगी, यूं ही है कि नहीं? परमेश्वर के वचन में से ढूंढ कर पढ़ें, पढ़कर देखें। यशाया 34:16 में लिखा। सो मेरे प्रियो, आज हमको ढूंढना है, बाइबल का भी ढूंढोगे तो तुम पाओगे। होशे नबी उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन देखें। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के, यज्ञ भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, हाँ हर पर आएगा, वरन बरसात की वर्षा के समान जिससे भूमि सिस्ती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हम ढूंढे। इसराइलियों ने कहा आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। आज आप ढूंढिए, तलाश कीजिए, उसके लिए जरूरी है बाइबल पढ़िए, परमेश्वर से वचन को पढ़िए, नहीं केवल पास्टर आ गया, प्रार्थना कर दिया, विजिट कर दिया, चला गया, हमने पास्टर को दान दे दिया, दक्षिणा दे दिया, 100, 50, 200, 500, 1000 रुपए, इससे काम नहीं चलता मेरे प्रियो। ये तो आपका एक भाग है कि आप सेवा में सपोर्ट करते, लेकिन दूसरा भाग जो जरूरी है वो ये है कि आप बाइबल पढ़ें, बाइबल में से ढूंढे, पढ़कर देखे क्या जो बातें बाइबल में लिखी वो है कि नहीं। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम वचन की तरफ ध्यान।
आइए मेरे फिर तीसरी बात हम देखें, खटखटाना, द्वार खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। आज लोग जा रहे हैं, किसकी चौखट पे जा रहे हैं, कहाँ जाकर खटखटा रहे हैं, गलत जगह तो नहीं जा रहे। बाबी कहती खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाए। आज तो खटखटाना तो दूर, आजकल तो बहुत अच्छा चलन आ गया, कॉल बेल है। एक घर में गए, जैसी कॉल बेल दबाए उधर से आवाज आई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लोग ऐसे से रिंग टोन रखते हैं ना, लोग अपने घर के दरवाजे को कोई नॉक न करे तो कॉल बेल लगा दिए, बटन दबाओ अंदर घंटी बज जाएगी, लोगों को मालूम चल जाएगा कोई आया। परमेश्वर को भी तो मालूम चलना चाहिए कि कोई मेरे चौखट पर आया। लेकिन आज मैं और आप देखते हैं परमेश्वर का प्यार जस्ट उल्टा है। आज परमेश्वर हमसे प्यार करता है। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20, प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में क्या लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द यानी वचन सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर भीतर उसके साथ भोजन करूंगा, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा था, खोल 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 दरवाजा खोल दे। लेकिन लोग धीरे से जवाब देते, नहीं प्रभु अभी तो कुंडा अंदर से बंद है, अभी बहुत अच्छी सीरियल आ रही है, अभी नहीं खोलूंगा दरवाजा, अभी नौकरी पानी में लगा हुआ अभी नहीं खोलूंगा, शादी ब्याह करना अभी नहीं खोलूंगा, रिटायरमेंट हो जाऊंगा ना तब, रिटायरमेंट के बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा तब दरवाजा खोलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, और भीतर आकर क्या कहा, उसके साथ चला फिरा करूंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आज बड़े बड़े नेता मंत्री आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, बड़े बड़े लोग आपके साथ खाना पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्यार देखिए, अगर आपने दरवाजा खोला वो अंदर आएगा, आपके साथ खाना खाएगा, भोजन प्रेरित काम 12:12-16। यह जानकर वह उस यहूदा की माता, प्रेरित काम 12:12, यह जानकर उस यहूदा की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रेरितों के काम 12:12 प्रेरित 12:12 है ना, हाँ चलो पढ़ो। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर चकित हुए। आज मेरे प्रियो कलीसिया में पास्टर समस्या में पड़ जाता है ना तो लोग उसको पूछते तक नहीं। उन दिनों में कलीसिया के लोग पतरस जेल में हैं, पतरस संकलों में जकड़ा गया है, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही और परमेश्वर के दूत ने पतरस को छुड़ा लिया और कहा जा वापस। पतरस जाकर क्या किया, खड़ा नहीं रहा, दरवाजा खटखटा रहा, खटखटाओगे तो खुला जाएगा, जब दरवाजा खुला खटखटाया उसने, लोगों ने देखा पतरस खड़ा है। आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज कलीसिया में पास्टर कितनी भी समस्या में चला जाए हेल्प करने वाले कोई नहीं, प्रार्थना करने वाले नहीं चाहते लोग, अरे हम क्या प्रार्थना करेंगे, वो तो खुद पास्टर है, वो हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये उसकी ड्यूटी है। लोग ऐसा सोचते खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाए। आज कहाँ जाकर आप खटखटा रहे, किसकी चौखट पे जाकर खटखटा रहे, कौन सा दरवाजा खटखटा रहे। आप जाओगे अपने रिश्तेदार के यहाँ, आपको जाना है साइमन के यहाँ और आप जा रहे हैं याकूब के यहाँ, साइमन के यहाँ जाने के बजाय याकूब के यहाँ दरवाजा खटखटा रहे गलत जगह, तो आपको वहां से वापस लौटना पड़ेगा, शर्मिंदगी मिलेगी और कुछ। इसलिए बाबी कहती है खटखटाओगे तो खुला जाएगा,
पत्रस वहां से निकलकर वापस आया हो और कलीसिया के लोग जहां प्रार्थना कर रहे थे वहां के दरवाजे को खटखटाया। आप किसकी दरवाजा खटखटाया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के सामने में दरवाजा खटखटा रहा है और आप कहीं और जाके दरवाजा खटखटा रहे। द्वार खोल दीजिए, परमेश्वर की चौखट पे आ जाए, दरवाजा खुल जाएगा। श्रेष्ठ की 5:2 मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है हे मेरी बहन हे मेरी प्रिय हे मेरी कबूतरी हे मेरी निर्मल मेरे लिए द्वार खोल। द्वार खटखटा रहा है मेरा प्रेमी। हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर, हमें प्यार देने वाला प्रभु, वो दरवाजा खटखटा रहा और वो कह रही कि मेरा मैं तो सो रही हूँ लेकिन मेरा मन जागता है। आज आप मन में सो गए हैं, शरीर में जाग गए हैं। आज जागिए, मन में, आत्मा में जागिए, जागृत हो जाइए ताकि आप मन में उसकी आवाज सुन सके। बहुत से लोग हैं दरवाजा खटखटा रहे, खुल नहीं रहा। मत्ती रचित सुसमाचार 25:10 जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। उसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। ये 10 कुमारियों का दृष्टांत है। लिखा हुआ है कि 10 के 10 सो गई थी, उन्होंने लगी थी, बारात आ गई, लेकिन जैसी बारात आई ये सब जाग गई। जागी तो 5 जो तैयार थी मन में, आत्मा में, अपनी कुप्पियों में तेल भरकर रखा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक रखा है, ये लोग 5 अंदर चल गए। और 5 जब बाद में आई तो कहने लगी प्रभु द्वार खोल दो। आज बहुत से लोग कहते हैं अभी तो टाइम नहीं है, अभी समय नहीं, चर्च का समय हो गया, हम कहीं और चले गए, आएंगे थोड़ी देर में, अभी गाना चलता होगा, अभी तो बिहारी चलता होगा, है ना, अंतिम आशीष के समय पहुंच जाएंगे। नहीं, दरवाजा खुलेगा नहीं जब आप देर कर जाएंगे। याद रखिएगा, इसलिए अपनी तैयारी रखिए। आप आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल हो गया। सो मेरे प्रियो, आज आपको खटखटाना है दरवाजा तो प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु के पास आ जाइए। नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा, नहीं तो द्वार बंद हो जाएगा, फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा। समय पर आप, आज लोग कैसे जाते हैं ऑफिस 5 पहले, आजकल तो 5 पहले जाते हैं, वो एक तो बटन में अंगूठा लगाते हैं, दबाते हैं उसको, थोड़ा देर रखते हैं ताकि बॉस को मालूम चल जाए कि ये किस समय आया, ये समय पे आ गया। आज इस बात का डर नहीं लोगों को कि हम परमेश्वर के भवन में समय पे आए, चले आ रहे घूमते फिरते 8 बजे 9 बजे 10 बजे 10 बजे का चर्च का टाइम है, 11 बजे चले आ रहे, द्वार बंद हो जाएगा। लोग इतनी लापरवाही करते हैं, ना तो वो मांगना सीखे परमेश्वर की इच्छा में, ना तो वो ढूंढना सीखे परमेश्वर के वचन से, ना तो वो द्वार खोलते हैं अपने प्रभु के लिए वचन के अनुसार। आज अपने हृदय का दरवाजा खोल, वो भीतर आए। बाइबल कहती है मत्ती 6:33 में, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तु आपको मिल जाएगी। पहले बाइबल पढ़िए, लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, चाहते पहले सब कुछ मिल जाए, पहले परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आज तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको ढूंढना ही है तो परमेश्वर के वचन को खोल खोल देखिए, अपनी आशीषों को, आपको जो चीज मिलना है वो परमेश्वर के वचन में है।
अगर आपको मांगना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना, आपको दरवाजा खटखटाना है तो परमेश्वर के द्वार को खटखटाइए, परमेश्वर द्वार खोलेगा और आपको वो सारी चीजें जब आप भीतर आ जाएंगे उसके साथ रहेंगे, आनंद का समय होगा, खुशी का समय होगा, हर एक चीज आपकी होगी। आज मेरे भी बहुत से लोग हैं जो बाइबल न तो पढ़ते हैं न तो चर्च जाते, चाहते हैं कि परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आशीष देता रहे, परमेश्वर आशीष अन्य जातियों को भी देता है, विश्वासियों को भी देता है, अविश्वासियों को भी, दोनों पर निर्भर करता है, दोनों के लिए से भी उपजय करता है। याद रखिएगा आप विशिष्ट हैं अगर आप परमेश्वर चुनो, आप देखिए अपने आप को क्या वास्तव में आप परमेश्वर की इच्छा में मांग रहे, क्या आप वास्तव में ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के वचन, क्या आप वास्तव में वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जो परमेश्वर का, स्वर्ग को हिला दीजिए प्रार्थना के द्वारा, मांगिए अपने पिता से जिद करके, रोकर मांगिए परमेश्वर, परमेश्वर आपसे आशीष, हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर सावन यीशु मसीह के नाम से हम आपकी चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी शाम इस लाइव सेशन में आपने हमारी अगुवाई किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आपका है, प्रभु आपका वचन आशीष लोगों ने सुना है, उन लोगों को आशीष, बाद में जो लोग सुनते हैं वो भी आशीष को पाए तेरे वचन के द्वारा जीवन जी सके, तेरा धन्यवाद करता हूँ मुझे इस्तेमाल कर, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी, आप जैसे चाहते वैसा मेरे, धन्यवाद से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की शांति और सदा इस पूरे झुंड पर अन्य मसीह विश्वासियों पर यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हो गया आमीन। प्रभु आप सबको आशीष।